हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि वाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज हम ग्रेवर इंक की फॉर्मुलेशन करेंगे फॉर पेपर सब्सट्रेट। यानी कि यहाँ पर हमारी जो सब्सट्रेट ली गई है वो क्या है, पेपर है। और पेपर के लिए जो हमारी ग्रेवर इंक यूज की जाती है, उस इंक का फॉर्मुलेशन किस तरह से किया जाता है और उसमें जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वाइबेट, वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमारे यूज किए जाते हैं, वो आज हम इस फॉर्मुलेशन टेबल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेवर इंक की फॉर्मुलेशन टेबल को बनाना। तो जो हमारी ग्रेवर इंक पेपर सब्सट्रेट के लिए यूज की जाती है, तो इसमें जो सबसे पहले जो हम पिगमेंट यूज़ करते हैं, यानी कि इंक को कलर देने के लिए जो हमारा यहाँ पिगमेंट यूज़ होता है, तो वो हमारा किस तरह से है। पहले देखिए, यहाँ पर हम कंटेंट लिख लेते हैं, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट या फिर जो कंटेंट यूज़ होने वाले हैं। और यहाँ पर हम जो आपकी परसेंटेज यूज़ की जा रही है, परसेंटेज ऑफ वेट, वो हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। तो चलिए, जो कंटेंट है इसमें सबसे पहला जो हमारा कंटेंट है, दैट इज सी आई पिगमेंट रेड। तो जो हमारा पिगमेंट रेड है, यहाँ पर जो कलर हम यूज कर रहे हैं इंक में, वो हमारा कैसा है, रेड कलर है। तो इसके लिए हमने जो पिगमेंट लिया है वो सी आई, यानी कि जो कलर इंडेक्स है वो हमारा कितना है, 72:1 का है। तो ये रेड पिगमेंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ग्रेवर इंक के। तो ये जो हमारा पिगमेंट लिया जा रहा है, इसका अमाउंट हमारा कितना है, 10% बाय वेट। नेक्स्ट जो हमारा इसमें कंटेंट है, दैट इज एल्कोहल सॉल्युबल नाइट्रोसेलुलोज। तो अगला हमारा कंटेंट क्या है इसमें ग्रेवर इंक फॉर पेपर के लिए, एल्कोहल सॉल्युबल नाइट्रोसेलुलोज। और ये जो हमारा लिया गया है, ये हमारा क्या है, रेजिन है। और ये हमारा क्या था, पिगमेंट है, यानी कि जो कलरिंग एजेंट हमने यहाँ पर लिया है, ये हमारा सी आई पिगमेंट रेड हमारा कलरिंग एजेंट है कलर प्रोवाइड करने के लिए। और एल्कोहल सॉल्युबल नाइट्रोसेलुलोज हमारा यहाँ पर क्या लिया गया है, रेजिन लिया गया है, जिसका अमाउंट हमारा कितना है, 20%। अगला जो हमारा कंटेंट है, दैट इज कीटोन रेजिन। तो नाइट्रोसेलुलोज रेजिन के अलावा हम यहाँ पर एक और रेजिन ले रहे हैं, दैट इज कीटोन रेजिन। और इसका जो अमाउंट है वो हमारा कितना है, 10%। नेक्स्ट जो कंटेंट है, दैट इज डाई ऑक्टेल थैलेट तो यहां पर डाई ऑक्टेल थैलेट हमारा प्लास्टिसाइजर के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि इंक में प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर जो कंटेंट ले रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, वो हमारा क्या है, डाई ऑक्टेल थैलेट। और इसका जो अमाउंट है वो हमारा कितना है, लगभग 2% के। तो प्लास्टिसाइजर हमारा 2% के लगभग लिया जा रहा है टोटल अमाउंट ऑफ वेट में। अगला जो हमारा कंटेंट है वो है हमारा पॉली इथाइलीन वैक्स। तो अगला हम क्या ले रहे हैं कंटेंट, पॉली इथाइलीन वैक्स। और ये जो हमारा वैक्स लिया जाता है, ये हमारा क्या करता है, डैमेज जो हमारा रबिंग एक्शन प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि सरफेस पे अगर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है किसी अदर सरफेस के कारण, तो ये क्या करता है, उन डैमेज को प्रिवेंट करता है। तो प्रिवेंट द डैमेज टू द फिल्म अगेंस्ट रबिंग। तो जो पॉलीथाइलिन वैक्स हमारा लिया जा रहा है, ये क्या करेगा,
फिल्म को रबिंग के अगेंस्ट जो डैमेज फिल्म में जो रबिंग के वजह से जो डैमेज प्रोड्यूस होता है, तो उन डैमेज के अगेंस्ट क्या करेगा, फिल्म को प्रिवेंट करेगा, यानी कि फिल्म को क्या करेगा, सेफ रखता है। तो इसलिए जो हमारा पॉलीथाइलिन वैक्स है वो हमारा 1% के लगभग इसमें यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट जो हमारा कंटेंट था दैट इज सीआई पिगमेंट रेड, सेकंड था हमारा नाइट्रोसेलुलोज रेजिन, थर्ड हमारा क्या था कीटोन रेजिन। अगला जो हमारा है कंटेंट वो हमारा प्लास्टिसाइजर लिया गया है दैट इज डाइऑक्टेन थैलेट, और नेक्स्ट कंटेंट हमारा क्या है पॉलीथाइलिन वैक्स जो हमारा कितना लिया गया है 1%। इसके बाद जो हमारे अदर इंग्रेडिएंट लिए जाएंगे तो उसमें अगला है हमारा इंग्रेडिएंट इथेनॉल, और ये इथेनॉल हमारा क्या है यहाँ पर लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, यानी कि ये जो हमारा सॉल्वेंट यहाँ पर लिया गया इथेनॉल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है लो है, और इसका अमाउंट हम कितना लेंगे यहाँ पर 30% के लगभग लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सॉल्वेंट यहाँ पर यूज किया जा रहा है दैट इज नॉर्मल प्रोपाइल एसीटेट, ये भी हमारा क्या है लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट है, और इसका अमाउंट कितना है हमारा 20% के लगभग। और जो फाइनल हमारा कंटेंट है इसका तो वो हमारा क्या है इथॉक्सी प्रोपेनॉल, जो फाइनल कंटेंट है दैट इज इथॉक्सी प्रोपेनॉल, और ये भी हमारा क्या है लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट है, और इसका अमाउंट हमारा कितना है 7%। तो जो हमारा पेपर सब्सट्रेट के लिए जो हमारी ग्रेवर इंक बनाई जाती है तो इसमें हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स हैं, फर्स्ट हो गया हमारा पिगमेंट रेड, नेक्स्ट हमारा एल्कोहल सॉल्युबल नाइट्रोसेलुलोज दैट इज रेजिन, अगला जो हमारा रेजिन है वो हमारा कीटोन रेजिन, इसके अलावा जो हमने अदर एडिटिव्स यूज किए जाते हैं जैसे आपका ये प्लास्टिसाइजर्स है ये वैक्स हैं, तो ये सब क्या है हमारे एडिटिव्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं स्मॉल अमाउंट के रूप में, या फिर जो स्मॉल अमाउंट में हमारे यूज़ किए जाते हैं स्पेशल इफेक्ट को प्रोवाइड करने के लिए वो हमारे एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या लिया गया है प्लास्टिसाइजर जो डाइऑक्टेन थैलेट लिया गया है, अगला है हमारा पॉलीथाइलिन वैक्स, नेक्स्ट जो हमारा सॉल्वेंट इसमें यूज़ किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट यूज़ किए हैं, फर्स्ट हमारा इथेनॉल, सेकेंड हमारा नॉर्मल प्रोपाइल एसीटेट, और अगला है हमारा इथॉक्सी प्रोपेनॉल। तो इस तरह से ग्रेवर इंक की हम फॉर्मुलेशन करते हैं फॉर पेपर सब्सट्रेट।